फ्रेंड्स, कल्पना आज मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे पोहा। मेरे चैनल का नाम है किट्टू राजावत, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ये हमने लिया थोड़ा सा ऑयल, ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम डालेंगे इसमें जीरा और हम डालेंगे इसमें प्याज, हरी मिर्च। ये हम एकदम सिंपल तरीके से पोहा बनाएंगे, इसमें कुछ नहीं डालना, बस हम जीरा डाला है मैंने और ये प्याज। ये देखिए हमारी प्याज और हरी मिर्च तेल में भून रही है जब तक हम पोहा ले लिया है हमने थोड़ा सा। अब हम इस पोहे को वॉश कर लेते हैं अच्छे पानी से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी प्याज अच्छे से भून चुकी है और हमने अपना पोहा भी अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से टमाटर, इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। ये हम एकदम सिंपल तरीके से बना देंगे पोहा। अब इसमें ही हम अंदर से धनिया पाउडर डाल देंगे, हम किसी लाल मिर्च डाल देंगे, अब हम इसमें डालेंगे हल्की सी हल्दी और साथ में ही हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। ये हम डाल दिए नमक, अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे हल्के से मटर, फ्रोजन मटर। पूरे में मटर बहुत अच्छी लगती है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला भून के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे पोहा। अभी हमने इस पे ऊपर से डाल दी मूंगफली, ये हमने पहले से ही भून के रखी हुई थी घी में। पोहे में मटर और मूंगफली का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे खिले खिले पोहे एकदम रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम प्लेट में डाल लेते हैं, प्लेट में डाल लेते हैं। ये देखिए गर्मा गर्म हमारे पोहे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें लगा देंगे एक चम्मच और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी साइड में चाय बन रही है। ये चाय भी हमारी बन चुकी है, हम कर देंगे गैस ऑफ। अपनी डाल लेते हैं चाय। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा नाश्ता रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। किट्टू राजावत मेरे चैनल का नाम है। थैंक यू।